नमस्कार दोस्तों, ये हमारे इलेवेंथ पीरियड टेबल के 20 इलेमेंट और हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो मैंने 20 बताए थे। पहले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें 20 है, दूसरे वीडियो में 20 है और ये तीसरे वीडियो में 20 है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डायरेक्ट थर्ड वीडियो पे मत आइए। अगर आप न्यू है तो पहले पहला वीडियो देखिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहले मैं 31 से लेके 40 तक बताऊंगा, 50 तक बताया था, फिर 70 तक बताया था, आज 90 तक बताऊंगा, ठीक है। जस्ट इसके अगले वीडियो में 10 और कर लेंगे, फिर 100 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का आपको क्रिएट करना है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद से क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी, नहीं तो मैं जैसे बताते चले जाऊंगा आप वैसे करते चले जाएंगे, उसका कुछ मतलब निकलने वाला है नहीं। बचा आगे के 30, 31, उसको मैं एक ही दिन करके बता दूंगा, वो स्टोरी के थ्रू आप भी उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज 71 से पहले 80 तक करेंगे, फिर 81 से लेके 90 तक। तो आइए पहले इसको फटाफट वर्ड बना लेते हैं। वर्ड बनाने के बाद फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं किस तरह से एलिमेंट से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 71 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 71। तो 71 7 से क्या क्या वर्ड निकलता है? के और सी मिलता है, और 1 से डी और टी मिलता है। अगर आपने नहीं देखा ये वाला वीडियो जिससे ये मैं वर्ड बना रहा हूँ, तो आप मेमोरी ट्रेनिंग के सबसे पहले वीडियो पे जाइए। सबसे पहले वीडियो पे जाएंगे तो आपको मैं इसमें यहाँ पे बताया हूँ कि कैसे इस तरह से वर्ड से नंबर से वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको फटाफट वर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं काइट बना सकता हूँ। काइट देखिए, काइट किस तरह से बनता है। यहाँ पे के दिया हुआ है, के 7 पे, के और सी होता है, यहाँ से मैंने 1 उठाया, काइट। मैं जब 71 देखता हूँ तो मुझे 71 नहीं वो जबकि काइट दिखता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस वर्ड को अपने माइंड में सेट कर लिया है कि जैसे मैं 71 देखता हूँ मुझे क्या दिखता है, वहां पे काइट दिखता है। उसी तरह से आप भी इन चीजों को एक प्रॉपर ढंग से एक वर्ड निकाल लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। 100 तक कोई भी एक वर्ड, जैसे कि अब यहाँ पे 86 दिया, 86 से कोई भी, जैसे आप 86 सुने आपको वही वर्ड याद आना चाहिए। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बैठ जाएगा माइंड में, ठीक है। अब इसके पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे। नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, वहां पे आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे आएंगे, वहां पे मैं 1 से लेके पूरे 100 तक क्या वर्ड बनते हैं, सबसे बेस्ट वर्ड कौन सा होता है, वो वहां पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइम वेस्ट किए बिना। 71 से काइट हो गया, अब 72 से क्या बनेगा, यहाँ पे कैन बन सकता है। क्यों? क्योंकि 7 से मैं सी लिया, 2 से एन होता है, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोम बना सकते हैं, कोम मतलब कंघी होता है, ठीक है। अब इसको आप मुझे बताएंगे, इसका मैं नहीं, आपको नहीं बताऊंगा, इसका मुझे आप बताएंगे रिलेट करा के, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस आपका होगा। इसीलिए मैं इसमें एक आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और नीचे कमेंट करिए, जो चीजें आप यहाँ पे बनाते हैं उसको नीचे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्या दिया, 74, यहाँ पे सी बना और 4 से क्या बनता है, आर बन जाता है। उसके बाद क्या हो गया, ये कार हो गया। नेक्स्ट क्या है, 75 से क्या बन सकता है, यहाँ पे सी बन गया, यहाँ पे एल बन गया। तो इसको अगर फील करना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोल लिख सकते हैं, ठीक है, कोल मतलब कोयला। नेक्स्ट 76 दिया हुआ है, 76 पे यहाँ पे सी और 6 से जी होता है, जे भी होता है, सी एच होता है और एस एच होता है। तो आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसी वर्ड से आप बना सकते हो, आपके ऊपर है, आप कोई भी वर्ड वहां पे ले सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, केज लिख देंगे। क्या कर देंगे, केज, क्योंकि मैं 6 से जी उठाया और 7 से सी, केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 77 दिया हुआ, आप 77 पे क्या बना सकते हो, आप 77 पे आपको क्या रहता है, के और सी होता है। तो 77 पे आप दो वर्ड आपको सेम से मिला, तो या आप काका भी बना सकते हो, ठीक है, या तो आप चाचा बना, नहीं चाचा नहीं, काका बना दो, इसको क्या कर दो, काका बना दो, ठीक है। अभी ये क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 78 और 79, 78 पे क्या होता है, के होता है, ठीक है, और 8 पे क्या होता है, वी और एफ होता है। अब यहाँ पे के दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, हाँ, तो के और सी से मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, कॉफी बना सकता हूँ, है ना। के से क्या कर सकता हूँ, सी से, और यहाँ से एफ उठा सकता हूँ, तो एफ डबल ई कॉफी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप 10-10 एलिमेंट करके प्रैक्टिस कर लेंगे, आधे घंटे भी एक 10 एलिमेंट को दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से स्टार्ट करते आगे। अभी क्या दिया हुआ है, 79 दिया हुआ, 7 पे सी, के और सी, तो यहाँ पे मैंने कैप बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं 9 से बी उठाया और 7 से के उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 और 0 दिया हुआ, तो 0 का क्या होता है, जेड और यस होता है, 8 का क्या होता है, वी और एफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या बना सकते हो, इसको फ्यूज बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने 8 से क्या उठाया, एफ उठाया, और 0 से क्या उठाया, एस और जेड, तो इस तरह से फ्यूज। ये वर्ड बनाने की टेक्निक है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
आप क्या करिए, पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में देखिए, फर्स्ट वीडियो मैंने किस तरह से वर्ड से नंबर से वर्ड बनाने में टेक्निक उधर बताई हुई है, ठीक है। तो आइए फटाफट लिख देते हैं, फिर उसको रिलेट करा देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एट दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं फैट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फैन लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एफ एम लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फायर लिख सकता हूँ। एफ से एफ हो गया, फोर से आर हो गया, तो फायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाइल लिख सकता हूँ, फाइल कैसे, वी एफ होता है तो एफ उठाया, फाइल का एल होता है तो फाइल बन गया। वॉवल्स यूज करके हम वर्ड बनाते हैं ना, ऐसे कौन से वर्ड इसमें वॉवल्स नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वर्ड उठा रहे हैं जिसमें वॉवल्स है। ए आई आई, ये देखो ए ई आई ओ यू, इन्हीं का वर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, इन्हीं वॉवल्स का यूज करके कोई भी वर्ड बनाते हैं। देखो फाइल में क्या है, आई और ई है, तो आई क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे, तो एफ से क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा और फाइव से एल हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। 86 पे क्या दिया हुआ, अब 86 पे क्या बनेंगे, फिश बना सकते हैं इसको, क्यों, 6 से एसएस होता है और 8 से क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, वीक बन सकता है, वीक, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग है, वीक की स्पेलिंग ये होती है डब्ल्यू, बट हमको यहाँ पे पढ़ना है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू तो आता नहीं है, तो 8 से हम वी एफ लेते हैं, तो यहाँ पे वी डाल दिया मैंने, ठीक है। ये वीक पढ़ेंगे इसको, ठीक है, वीक हो गया। अब यहाँ पे क्या, वाइफ बना सकते हैं इसको, ठीक है, वाइफ, इसको वाइफ की भी स्पेलिंग मैंने बताया था, ठीक है, वी लिखना रहता है हमको वाइफ में, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे एट का क्या होता है, वी और एफ होता है, तो वाइफ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 89 पे क्या है, एक्टिनियम। अब इसका क्या करेंगे, ये मुझे आप बताएंगे एक्टिनियम का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और एस बन गया, ठीक है। आइए, तो अब ये वर्ड बना दिया, अब इसको सिर्फ रिलेट करके हमको क्या करना है, मेमोराइज करना है। वो टेक्निक समझ लेते हैं किस तरह से फटाफट रिलेट करते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं सारे वर्ड को। 71 पे क्या दिया हुआ है, काइट दिया हुआ है। अब काइट, काइट पे क्या है, लुटेनियम, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, जब भी आप जब काइट उड़ाते हो, ठीक है, आप देख रहे हो गांव में, अगर गांव के एरिया में रहते हो तो वहां पे काइट बहुत ज्यादा उड़ाए जाते हैं, तो जब काइट टूट जाती है, जब पतंग गांव में क्या हो जाती है, एक दूसरे से लड़की जब कट जाती है और जब पतंग गिरती है, तो उसको लूटने के लिए क्या करते हैं, सब लोग भागते हैं, तो लूटने के लिए क्या कर रहे हैं, सब बच्चे भाग रहे हैं, क्या करने भाग रहे हैं, लुटेनियम, लूटने के लिए, ठीक है, लुटेनियम हो जाएगा, ठीक है, तो लूटने के लिए भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इस तरह से मेमोराइज करिए, क्यों, कैसे मेमोराइज होगा, जैसे आप इमेज बनाएंगे तुरंत तुरंत आपको मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। 71 पे काइट दिया हुआ है, काइट जैसे टूटती है, जैसे काइट आपके माइंड में आया, तुरंत आपके माइंड में वो स्टोरी ऑटोमेटिक आ जाती है। काइट आया तो काइट क्या हो रहा है, टूट गया। गांव में जब बहुत सारे काइट टूटते हैं तो सब लोग क्या होते हैं, दौड़ते हैं ना काइट को लेने के लिए, तो लुटेनियम, ठीक है, लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। 72 कैन, ठीक है, कैन में क्या है, हाफ नियम। अब हाफ नियम में क्या है, अब यहां से वर्ड में कैन बनाया। अब कैन को रिलेट कैसे करेंगे, सबको कैन, आपकी आपके स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, उस कॉलेज में सबको पेप्सी का कैन मिला, बट सबके कैन फुल थे, सबके कैन क्या थे, फुल थे, बट आपकी कैन क्या थी, हाफ थी, आपकी कैन क्या थी, हाफ भरी हुई थी, आपको बहुत गुस्सा आया, क्यों, क्योंकि आपकी कैन क्या थी, हाफ भरी हुई थी, तो हाफ भरी हुई थी, क्या हो जाएगा, हाफ नियम, ठीक है। नेक्स्ट कॉम का मुझे आप बताओगे, नेक्स्ट कार, 74 कार, कार पे क्या है, टंगस्टन। अब आप एक ऐसी कार साफ करो, आप कार धो रहे थे, बट आप कार कैसा है, जमीन पर रख के नहीं धो रहे थे, आप उसको साफ कर रहे थे, बट जमीन पर रख के नहीं, आप उसको हवा में लटका के टांग के, ठीक है, उसको क्या कर रहे थे, टांग के धो रहे थे, तो क्या कर रहे थे, उसको टांग के धो रहे थे, तो क्या हो जाएगा, टंगस्टन। अब जब भी आप कार याद करेंगे तो आपको क्या याद आएगा, कि मैं कार किस तरह से साफ कर रहा हूँ, टांग के साफ कर रहा हूँ, तो टांग से क्या हो जाएगा, टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कोल। अब कोल कोयला होता है, और यहाँ पे इसका एलिमेंट क्या है, रेनियम। तो आप सारे कोयले को बाहर से उठा के घर में लेके जा रहे हो, क्यों, क्योंकि रैन आने वाली है, रैन मतलब बारिश, तो क्या आने वाली है, रैन आने वाली है, तो रैन से क्या हो जाएगा, रेनियम। आप सारे कोयला को क्या कर रहे हो, घर पे लेके जा रहे हो, क्यों, क्योंकि वहां पे रैन आने वाले हैं, रेनियम, ठीक है। 76 केज, आप एक ऐसा केज खरीदते हो, पिंजरा, आप एक ऐसा केज खरीदते हो जो कि बहुत ज्यादा ऑसम होता है, क्या होता है, ऑसम होता है, तो क्या हो गया, ऑस्मियम, ऑसम होता है ना, ऑसम, तो ऑस्मियम, तो क्या खरीद रहे हो आप, केज, केज मतलब पिंजरा, तो आपने एक ऐसा पिंजरा खरीदा जो कि एकदम ऑसम दिख रहा है, तो ऑस्मियम, ठीक है। 77 काका, ठीक है, अब यहाँ पे काका से क्या बना सकते हो, काका से रेडियम, ठीक है, तो आपके काका हमेशा जिस तरह से मैडम ने, मैडम का आपने याद किया था, उसी तरह से आपका काका का भी हो जाएगा, ठीक है। तो काका क्या कर रहे हैं, रेडी है, कहां पे जाने के लिए, बारात में जाने के लिए, ठीक है, तो आपके काका क्या है, रेडी है, रेडियम, ठीक है। नेक्स्ट 78 पे क्या दिया हुआ, कॉफी दिया हुआ,
तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि सब लोग आपके घर में सब लोग जो कॉफी पीते हैं वो कप में पीते हैं, बट आप किसमें पीते हैं? प्लेट में पीते हैं। किसमें पीते हैं? प्लेट में। तो प्लेट से क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ठीक है, आप प्लेट में पीते हो, ऐसा इमेजिन कीजिए कि घर में सब लोग चाय किसमें पी रहे हैं? कॉफी किसमें पी रहे हैं? कप में। बट आप किसमें पी रहे हो? प्लेट में। तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। नेक्स्ट 79, कैप। आपके घर में एक ऐसी कैप है, कैप मतलब टोपी, तो ऐसी कैप है जो किसमें है? गोल्ड में है, सोने के कैप आपके पास है। ठीक है, तो कभी भी 79 आप देखेंगे तुरंत आपका माइंड इमेज करेगा कैप, तो आपको इमेजिन होगा कि कैप आपके घर में किसका है? गोल्ड का है, सोने का कैप आपके घर में। ऐसा इमेजिन कीजिए कि रियल में है। ठीक है, ऐसा इमेजिन रियल में करोगे तो ये वर्ड्स याद होंगे। ठीक है, अब 80 पे क्या है? फ्यूज। फ्यूज आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप घर में बल्ब लियो, ठीक है, हाथ में बल्ब लियो और बल्ब को ऐसे जोर से हिला दिए और वो फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो जैसे वो फ्यूज होता है तो आपके घर वाले, आपके पापा को पता चला कि न्यू बल्ब को क्या किया इसने? फ्यूज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मर क्यों नहीं जाता? क्या बोले? या मर क्यों नहीं जाती? ठीक है, लड़का लड़की दोनों, तो मर क्यों नहीं जाता? तो क्या हो गया? मर्क्यूरी। तो फ्यूज समझा आपको, 80 पे फ्यूज है। फ्यूज कैसे बना? एफ और एस से। तो जैसे बल्ब फ्यूज होता है तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? मर क्यों नहीं जाता? तो क्या हो गया? मर्क्यूरी। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पापा आपको बोल रहे हैं कि आपने बल्ब को फ्यूज कर दिया और वो क्या बोल रहे हैं? मर क्यों नहीं जाता, तो मर्क्यूरी। नेक्स्ट 81, फैट। ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक फैट आदमी, बहुत ज्यादा मोटा आदमी है और एक बहुत मोटा थैला अपने शरीर पर टांग के लेके जा रहा है। एक बहुत मोटा थैला अपने शरीर पर टांग के लेके जा रहा है, तो थैला लेके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? थैलियम। ठीक है, थैला लेके जा रहा है। नेक्स्ट 82 पे फैन है। 82 पे क्या है? फैन। तो फैन लीड, लीड मतलब शीशे का होता है। ठीक है, तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि जो आपके घर में फैन है, जो आपके घर में फैन है वो लीड का है, शीशे का बना हुआ फैन आपके घर में। ठीक है, किसका है? शीशे का बना हुआ फैन है आपके घर में, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब दो चार चीजें ऐसी मैंने आपको इमेजिन करा दी है जो आपके घर में रियल में है, जैसे कि फैन हो गया, आप फ्यूज को कनेक्ट कर सकते हो, कॉफी को कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने घर के अंदर ही सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो। कॉफी, अब कभी भी आप कॉफी सुनेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कॉफी मैं किसमें पीता हूँ? प्लेट में पीता हूँ। कैप के बारे में कभी भी सोचेंगे तो कैप किस रंग का था? गोल्ड या गोल्ड सोने का था। फ्यूज, कभी कोई वर्ड फ्यूज सुना तो आपको क्या याद आएगा? मर्क्यूरी, क्योंकि आपके पापा ने क्या बोला? मर्क्यूरी नहीं जाता। ठीक है, फैट आदमी क्या कर रहा है? थैली लेके जा रहा है, तो क्या हो गया? थैलियम। नेक्स्ट फैन, फैन किसका है? लीड का, शीशे का है। एफएम, एफएम कैसे बना? 83 से। एफएम, एफएम आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एफएम पे एक एड आ रहा है और एड पे वो बोल रहे हैं कि बच्चों के सामने विष कभी सामने मत लेके जाओ। क्या मत लेके जाओ? विष। विष का मतलब होता है जहर। ठीक है, क्या मत लेके जाओ? विष। ठीक है, तो यहाँ विष क्या हो जाएगा? बिस्मत। ठीक है, या इसको बीस बना दो, बीस, बीस मत लेके जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिस्मत। एफएम पे क्या बोल रहे हैं? ऐड आ रहा है कि बच्चों के सामने विष कभी मत रखो, तो क्या हो जाएगा? बिस्मत। ठीक है, नेक्स्ट 84, फायर। अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप चारों तरफ से आग में घिरे हुए हो। ठीक है, आप आग चारों तरफ किससे घिरे हो? फायर से, आग लगी हुई है, बट फिर भी आप उसमें पोलो गेम खेल रहे हो। क्या कर रहे हो? पोलो। ठीक है, आप उसमें पोलो गेम खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? पोलोनियम। नेक्स्ट पोलोनियम 85, फाइल। अब फाइल, अब 85 फाइल है। ठीक है, एस्टेटाइन है। एस्टेटाइन कैसे कर सकते हो? आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ऐश्वर्या, यहाँ पे दो वर्ड बनेंगे, एक ऐश्वर्या और दूसरा टाई। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ऐश्वर्या टाई लगा के आपके फाइल को लेके खड़ी है। क्या करिए? ऐश्वर्या ने टाई लगाया हुआ है, सिर्फ ऐश्वर्या राय को आप जानते रहोगे, ऐश्वर्या क्या करिए? टाई लगाई हुई है और आपके फाइल को लेके खड़ी है। तो ऐसे टाइम, टाइम, टाई लेके कौन लिया है? ऐश्वर्या। तो ऐसे टाइम, ठीक है, ऐश्वर्या क्या करिए? टाई लगा के आपके फाइल को लेके खड़ी है, तो ऐसे टाइम। नेक्स्ट क्या दिया? फिश। अब 86 पे फिश कैसे होगा? देखो, आप और आपके फ्रेंड ने फिश बनाया था, बट आपके, आपको झूठा खाना पसंद नहीं था, बट आपके फ्रेंड ने क्या किया? पूरे के पूरे भी फिश को क्या किया? झूठा कर दिया। क्या कर दिया? झूठा। और आपने गुस्से में बोला, अपने आपको क्या डॉन समझता है, अपने आपको क्या बोला तुमने, उनको क्या बोला कि पूरे फिश को क्यों झूठा किया? अपने आपको डॉन समझता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि झगड़ा होने वाला था, तो आपने गुस्से में क्या बोला कि पूरे फिश को झूठा क्यों किया? अपने आपको डॉन समझता है, तो डॉन से क्या हो जाएगा? रेडॉन। ठीक है, तो फिश किसने झूठा किया? आपके फ्रेंड ने। तो आपने उनको गुस्से में क्या बोला कि अपने आपको डॉन समझता है। नेक्स्ट क्या दिया? 87 पे वीक दिया हुआ है। वीक की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट हमको यहाँ पे वी, डब्ल्यू की जगह पे वी लेना है। नेक्स्ट 87 पे वीक, आप बहुत ज्यादा वीक हो गए। आप क्या हो गए? बहुत ज्यादा वीक हो गए। क्यों वीक हो गए? क्योंकि आप फ्रांस गए थे। कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे, तो क्या हो जाएगा? फ्रांसियम।
आप कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे, इसलिए आप बहुत ज्यादा क्या हो गए? वीक हो गए। तो वीक से क्या हो जाएगा? फ्रांसियम। 88 पे वाइफ दिया हुआ है, वाइफ, ठीक है। आपकी वाइफ हमेशा कहीं ना कहीं जाने के लिए क्या रहती है? रेडी रहती है, हमेशा रेडी रहती है। उनको कहीं भी लेके जाओ तो हमेशा रेडी हो जाती है, तुरंत रेडी हो जाती है। तो क्या हो गया? रेडियम। तुरंत रेडी हो जाती है, ठीक है। वाइफ से क्या हो जाएगा? रेडियम, ठीक है। नेक्स्ट 89, 89 पे क्या है? या आप मुझे वर्ड बताएंगे, यहाँ पे एक्टिनियम दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिनियम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बस। 90 पे क्या है? बस। अभी थोड़ा सा स्टोरी लॉन्ग है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। आप बस स्टॉप पे खड़े थे, बस आई, बहुत ज्यादा बस भरी हुई थी। आप चढ़ते हो बस पे, आप देखते हो पूरी की पूरी सीट क्या है? फुल है, बट आपके पैर दर्द कर रहे हैं, आपको बैठना है। तो आपने देखा कि एक सीट पे थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह थी, तो आप गए उनके पास। आपने उनको बोला कि थोड़ा सा सरको, थोड़ा सा क्या? सरको, थोड़ा सा सरको। तो क्या आपने बोला? थोड़ा सा, ठीक है। तो थोरियम, आपने क्या बोला? थोड़ा सा सरको, तो थोरियम। तो 90 पे बस, आप बस पे चढ़े, सीट नहीं मिली आपको, थोड़ा सा जगह मिला, तो आपने बोला कि थोड़ा सरको। या आप ऐसा बोल सकते हो कि आप बस पे चढ़े, आपको कहीं जगह नहीं मिली, बस थोड़ा सा सीट मिला। क्या मिला? थोड़ा सा सीट मिला। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मतलब थोरियम, ठीक है। अब यहाँ पे 89 पे आप मुझे एक्टिनियम का बताएंगे और फिर 73 पे कोम का बताएंगे, ये दोनों आप मुझे कमेंट करेंगे। अब यहाँ तक हो गया 19 एलिमेंट टोटल, ठीक है, 31 से लेकर 19 तक। अब इसके बाद के वीडियो में मैं 10 अवेलेबल और करा दूंगा, उसके बाद हम 1 से 30 तक देख लेंगे, ठीक है। और अगर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको फटाफट याद होंगी। मैं डेली एक दिन में याद करने नहीं बोल रहा हूँ, आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बाहर करना स्टार्ट करिए। बाहर मतलब समझना है, इसको बाहर भी नहीं करना है। डेली आप 10 ही कर लीजिए, बस हो गया, ठीक है। 10 करते जाइए, 10-10 करते जाइए, एक समय आएगा कि आप पूरे एलिमेंट को आप फटाफट बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं जो फटाफट आप एलिमेंट बोल सकते हो, कि नंबर नंबर के साथ में आप सीधा एलिमेंट बोलेंगे, या कोई एलिमेंट भी बोल देता है तो आप तुरंत। अब जैसे प्लेटिनम बोल दिया, तो प्लेटिनम क्या आया? प्लेट। प्लेट पे आप क्या कर रहे हो? प्लेट में आप कॉफी पीते हो ना, तो कॉफी कितने पे आता है? 78 पे। अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा तो आप उल्टा भी जा सकते हो। तो ज्यादा ज्यादा क्या करिए? प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसी टेक्निक से मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ और उसी टेक्निक को हम कंटिन्यू फॉलो भी करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर दीजिए? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इस चीज का पीडीएफ चाहते हो तो फटाक से नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं आज इन नंबरों के पीडीएफ को वहां पे डालने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बेस्ट वर्ड्स होते हैं जिसको हम मेमोराइज कर सकते हैं फटाफट, क्योंकि हम देखो 71 अगर काइट बना रहे हैं तो केसी भी बना सकते हैं और बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ही नंबर से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, बट हमको एक स्टेबल और एक स्टेशनरी वर्ड को माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे माइंड में सेव रहेगा एक वर्ड, तो आप क्या कर सकते हो? नंबर से सीरीज को याद कर सकते हो, 1 से 100 तक कोई भी रेंडमली नंबर आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो विद इन कुछ सेकंड, कुछ मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप 100 नंबर याद कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट्स भी होता है, 2 मिनट्स भी होता है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वो भी टेक्निक में आपको बताऊंगा किस तरह से नंबर्स ऐड करते हैं, ठीक है। पहले आप ये प्रैक्टिस करिए, उसके बाद वो सीरीज में डालने वाला हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।